गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आरिफ खान, उर्दू टीचर ऑफ उर्बैन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। प्यारे बच्चों, मैं क्लास सिक्स का ऑनलाइन उर्दू का क्लास लेकर फिर हाजिर हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके उर्दू रीडर बुक से लेसन नंबर सिक्स पढ़ाऊंगा। लेसन नंबर सिक्स का नाम है, सबक का नाम, नटखट बच्चा। देखिए, ये एक नज्म है, नज्म का नाम नटखट बच्चा। नटखट जानते ही हैं, नट्टी बॉय, नट्टी बॉय को नटखट कहते हैं। तो नटखट बच्चा यही एक बहुत ही प्यारा सा नज्म है बच्चों, और इसके मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी पहले लिख दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए। फौरन मीन्स जल्द से जल्द, जिसे हम लोग तुरंत कहते हैं, तुरंत फौरन। लेट मीन्स होता है ताखीर, लेट दरअसल इंग्लिश वर्ड है, लेट मीन्स होता है ताखीर, देर से। ताखीर लिख लीजिए या देर भी लिख लीजिए, ताखीर, देर। मौसमी एक फल का नाम, ऑरेंज जैसा होता है ये, नारंगी जैसा, मौसमी एक फल का नाम। इडियट बेवकूफ को कहते हैं, ना समझ। नकल माने कॉपी करना, नकल करना, कॉपी करना, चीटिंग करना। अब बोरिया लपेट एक मुहावरा है, बोरिया बिस्तर लपेटना या बोरिया लपेटना, यानी कि जाने को कहना, चले जाने को कहना या निकाल देना। तो जाने को कहना असल होता है बुढ़िया लपेट, एक मुहावरा है। गेट मीन्स दरवाजा, इसे आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं नज़्म शुरू करता हूं। बच्चों, ये जो नज़्म है नटखट बच्चा, इसके शायर का नाम है रफी अहमद, ये भी उर्दू के बड़े शायर हैं, रफी साहब, रफी अहमद। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी नज़्में लिखी हैं, उसी में से एक है नटखट बच्चा। इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में एक नटखट, एक नट्टी बॉय का माजरा पेश किया है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ से, देखिए किस तरह से जिद कर रहा है, क्या क्या कह रहा है, अपनी ही जुबानी वो सब कुछ कह रहा है। वो मैं आपको नज़्म पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका तशरीह करूंगा, समझाऊंगा। नज़्म का पहला शेर है, बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि अम्मी मैं खा चुका हूं ब्रेड और आमलेट। देखिए, बच्चा खुद कह रहा है अपनी मम्मी से कि मैं ब्रेड जानते हैं आप लोग, खाते हैं आमलेट, अंडे का बनता है, ब्रेड और आमलेट, अब ला के दीजिए मुझे एक डिब्बा चॉकलेट। यानी कि एक और फरमाइश कि मैं ब्रेड आमलेट तो खा ही चुका हूं, मम्मी मुझे एक डब्बा और चॉकलेट ला के दीजिए। मम्मी बेचारी क्या करती, वो देखिए, देखकर उसे मुस्कुरा रही हैं। फिर आगे बच्चा कहता है, फौरन तलाश लेता हूं कोई बहाना मैं। बच्चा खुद कह रहा है, खुद इजहार कर रहा है कि मैं फौरन तुरंत मैं एक बहाना तलाश लेता हूं, कोई ना कोई बहाना बना लेता हूं। स्कूल में पहुंचता हूं जब भी जरा सा लेट, मैं स्कूल में जब लेट से पहुंचता हूं तो अपने उस्ताद से, टीचर से कोई ना कोई बहाना तलाश लेता हूं, लेट आने का बहाना। आप लोग देखते ही स्कूल आते हैं तो बच्चे, कुछ बच्चे लेट से आते हैं तो क्लास टीचर पूछते हैं कि लेट क्यों हुआ, तो देखते हैं बच्चे रोज एक नया बहाना, कभी कहते हैं कि ट्रैफिक जाम था, कभी कुछ और, कुछ कहते हैं कि बस नाश्ते में देर हो गया, मम्मी टिफिन बॉक्स देने में लेट कर दी, वगैरह वगैरह। बच्चे कोई ना कोई बहाना, एक नया बहाना तलाश लेते हैं। भाई बच्चा कह रहा है स्कूल में पहुंचता हूं जब भी जरा सा लेट तो मैं कोई ना कोई बहाना तलाश लेता हूं। अगले शेर में शायर कह रहा है, छह सात केले से मौसमी से होगा क्या। शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बच्चे की जुबानी कह रहा है कि बच्चा खुद कह रहा है कि छह सात केले सेब से या मौसमी से मुझे क्या होगा। अपनी मम्मी से कह रहा है, भरता कहां है इतनी सी चीजों से अपना पेट। देखिए, छह सात केला, सेब, मौसमी,
फिर भी बच्चे का पेट नहीं भरा, पेट तो भर गया लेकिन उसे नजर में भूख है, बस मम्मी से एक नई फरमाइश, भरता कहा है इतनी सी चीजों से अपना पेट ताकि मम्मी और लाके दें और दें। आगे बच्चा खुद कह रहा है खिचड़ी को मुंह लगाए भला कौन इडियट। देखिए कितने प्यारे अंदाज में बच्चा खुद को कह रहा है कि खिचड़ी को मुंह लगाए भला कौन इडियट, कौन बेवकूफ खिचड़ी खाएगा जबकि सामने हो मुर्ग या बिरयानी का प्लेट। देखिए मुर्ग या बिरयानी का प्लेट, मुर्ग मीन्स मुर्गे का गोश्त और बिरयानी जानते ही हैं। तो जब सामने बिरयानी का प्लेट हो, मुर्ग हो, मुसल्लम हो, तो खिचड़ी क्यों खाएगा बच्चा? बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे नहीं भाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब बिरयानी का प्लेट सामने हो। तो अब आगे सुनिए बच्चे का हाल। बच्चा आगे कह रहा है जिसने भी नकल करने में मदद ना की, यानी कि बच्चे का एग्जामिनेशन में नकल करने में, यानी कि वो कॉपी करने में या कहिए कि चीटिंग करने में उसकी मदद नहीं की, उसकी उठा के फेंक दी कापी कलम स्लेट। बच्चा यही नटखट बच्चा है, जिसने भी उसको चीटिंग करने में हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया, जबकि नकल करना चीट करना मना है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, तो उसके साथी ने नकल नहीं करने दिया, तो ये तैश में आकर, गुस्से में आकर उस बच्चे के कॉपी कलम स्लेट को फेंक दिया। जाहिर सी बात है ये शरारत क्या उसने, बच्चा खुद कह रहा है यानी कि अपना कसूर खुद बयान कर रहा है। और आगे देखिए बच्चा और क्या बोल रहा है, दो चार साथियों की जो जमकर पिटाई की, जबकि स्कूल में रहकर क्लास में रहकर मारपीट करना सख्त मना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन नज़म के अंदर शायद बच्चे की जुबानी कह रहा है कि दो चार साथियों की जो जमकर पिटाई की, उस्ताद ने कह दिया चल बोरिया लपेट। ठीक कहा, जब उस्ताद को टीचर को मालूम हुआ कि इस बच्चे ने अपने साथियों के साथ मारपीट किया है तो उस बच्चे को क्लास से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया उसे, आओ कहा गया कि तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं, तुम्हें स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाल दे रहा हूं। ये चीज हम लोग भी करते हैं या फिर कहते हैं कि अपने गार्जियन के साथ आइए कल, तो उस्ताद ने कह दिया चल बोरिया लपेट। बोरिया लपेट एक मुहावरा है, लोग बोलते हैं बोरिया बिस्तर लपेटना, या बोरिया लपेटना मीन्स होता है चले जाना, चले जाने को यानी कि जाने के हुक्म, निकाल देना, चले जाने को यानी कि जाने को कहना, उसे कहते हैं बोरिया लपेट। नज़्म के आखिरी शेर में शायर बड़े प्यारे अंदाज में उस बच्चे की जुबानी कह रहा है। देखिए इस शेर में बच्चे को खुद सजा मिल जाता है। बच्चा कह रहा है मेरी शरारतों का ये अंजाम देखिए, देखिए हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, तो मेरी शरारतों का ये अंजाम देखिए, बाहर खड़ा हूं बंद है अब मुझ पे घर का गेट। बाहर खड़ा है लेकिन उसके उसकी मम्मी उसके पापा घर का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तुम बाहर ही रहो, तुमने स्कूल में शरारत किया, नकल किया, बच्चों के साथ मारपीट किया, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, अब तुम्हारे लिए घर का भी दरवाजा बंद है, तो बाहर खड़ा है बेबस अब परेशान है, दरवाजा खोलने को कर रहा है लेकिन दरवाजा उसको नहीं खोला जा रहा है, तो बाहर खड़ा हूं बंद है अब मुझ पे घर का गेट। तो ये था उसकी सजा, बच्चे को खुद की सजा मिल गई। बच्चों ये नज्म यहीं पे खत्म होता है, मैंने नज्म के शायर का नाम बताया दिया रफी अहमद, तो इस नज्म को आप घर पे रहकर दोहराइएगा, पढ़िएगा खुद से, और बच्चों अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, सवालों जवाब कराऊंगा, तो आप क्वेश्चन ये लिख लीजिए, लफ्ज़ अरमानी वर्ड मीनिंग है ये, फिर मैं हाजिर होता हूँ अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए। यहीं पर लिख लीजिए होमवर्क, उर्दू में लिखिए होमवर्क। लफ्ज़ मानी
आओ रोमन में है। सवाल दो में अपनी पसंद के चार अशआर लिखिए। ये था आप लोग का होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं फिर ठीक 2 मिनट में हाजिर होता हूँ। बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए और कॉपी कलम लेकर हाजिर होइए। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा।